Hello, my beautiful people, and welcome back to another video. ये पीछे का बैकग्राउंड इतना बेकार इसलिए क्योंकि मैं स्टेशन पे हूँ अभी एंड वी आर गोइंग टू लेक डिस्ट्रिक्ट। वो कुछ काम कर रहा है अभी, सो ही'ल जॉइन अस। बट यस, वी आर गोइंग टू लेक डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। इट्स अ वेरी लॉन्ग ब्रेक फॉर अस बिकॉज हम काफ़ी थक चुके हैं अपने काम से, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर अर्निंग यू नीड अ ब्रेक। चॉकलेट आइसक्रीम खाएगी? नेकी और पूछ पूछ। व्हाटएवर। बट हम अभी ट्रेन के रुके हुए हैं, हमें लगा था हम लेट हो गए हैं बट हम नहीं हुए हैं, तो वे राइट ऑन टाइम। एंड बैकग्राउंड काफ़ी बेकार लग रहा है मुझे अपना, ठीक है। कैसे गया नहीं? कैसे अलग है? अच्छा कैसे? कैसे? इनका स्ट्रक्चर देख, ये देख कितने पत्थर रख रखे हैं। मैं एक निकाल लूं तो गिर जाएगा?
वापस एंड अभी प्रेपरेशन हो रही है फॉर ब्रेकफास्ट. तो आज बन रहे हैं चिकन सॉसेजेस एंड पनीनी. सो मुझे तो नहीं पता कैसे बनाते हैं, तो ये बनाएगा. मैं फ्रिज का दिखाती हूँ. हमने स्टॉक कर लिया फ्रिज को बिकॉज बाहर कितने खर्च कर रहे हैं हम. सो वी गॉट आवर पिज़्ज़ास and we've got some, I don't know what to call this, but meals are there and some blueberries, iski chocolate hai, juice, coffee and everything, cold drink of course. So yeah, I think abhi khane ka time ho chuka hai, let's cook. Main to wishing karne wali hu but प्लीज थैंक यू फॉर कुकिंग. देखो बर्तन धोने चाहिए थे. धो देते हो चल. अगर नहीं धोए ना तेरे सारे फॉलोअर्स को बता दूंगा. Head. इतना pretty है ये पूरा view. Secret world में जा रहे हैं. Into the woods. यहाँ से भी portal खुलेगा अंदर. It's just so pretty, so pretty. I mean, पूरा जो atmosphere है यहाँ का, ऐसा feel हो रहा है UK में. अभी तक कहाँ थे? अभी तक भाई अंदर ही अंदर जाते जा रहे. ये तो अंदर एकदम घना सा जंगल हो रहा है. ये तो है थोड़ा सा स्कैरी भी है. फिजिक्स सुनाई दे चिरपिंग. और भाई आ रहा है मजा है? मुझे लगा था 1 माइल में ना होगा कुछ 1 किलोमीटर. नहीं यार 1 माइल तो ज्यादा होता है ना. कितना होता है? होता है बहुत ज्यादा होता है. इतना होता है कि उसमें फट के 4 हो जाए. अभी ये बीच में एक स्पॉट मिला था जहाँ पे थोड़ा बहुत हम रेस्ट कर सकते थे, तो अभी यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे. फिर और ऊपर जाना है. यहाँ पे जंगलों में अंदर ही अंदर. इसकी तो फट गई, इसका हो गया. कैरी मेरे को, मेरे से नहीं हो रहा, मैं बैठ जाऊंगी. बता सकती है, तेरे ही फॉलोअर्स हैं. तूने मुझे कहा था, प्रॉम्प्ट किया था. मैंने कर दी बात. वही. अच्छा इसमें उधर कहाँ से जाना है हमको? हमें जाना है इधर. okay. इधर से ऊपर. तो ये लोग कहाँ से आए जो आ रहे थे? कौन? कुछ लोग आ रहे थे ना हमारे पीछे. ऊपर से नीचे आ रहे थे वो. कौन से पास से आए थे? तो ऊपर से नीचे जो आ रहे थे वो इधर से गए ना. हाँ. या पीछे से. हाँ. ये दो है ना रास्ते, एक ही नीचे से एक ऊपर से. तो गए चले. 1 मिनट होल्ड. चलो चलते ऊपर, देन व्यू दिखाते हैं. व्यू दिखाते हैं.
हेलो, अभी ये जैसे ये मैडम आराम कर रही थी, वो एक मिनट बोला था ना इसने, वो 5-6 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट और ये अभी भी वहाँ से उठी नहीं है, इसका कोई इरादा लग नहीं रहा। तो आई वॉज जस्ट लुकिंग अराउंड, तो मेरे को ये नोटिस हुआ कि ये पेड़ में इन्होंने बहुत सारे सिक्के गाड़ रखे हैं अलग अलग, लाइक लिटरली दीज आर ऑल कॉइन्स, और बहुत मजबूत अंदर ही घड़े हुए हैं, लाइक हिल भी नहीं रहे। क्या चक्कर है ये? यहाँ पे इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी। हाँ, कर्स्ड? भाई ऐसे मत बोल, मैंने छू दिए बहुत सारे सिक्के, मेरे को ऐसे डरा मत तू। यार जमाए हैं ठीक है, बट ऐसा डरा मत यार, मैंने बहुत सारे छू दिए हैं, लाइक लिटरली मैंने देखने देखने में ही छू दिया है। और वैसे भी अभी कर्स होगा भी तो तू तो साथ में ही है, तो तेरे पे भी आएगा ही ना फिर वो। तूने क्या हॉरर मूवीज नहीं देखी? जब एक बंदे को कर्स होता है तो पूरी फैमिली जाती है कि नहीं जाती? बस वैसा ही सीन है। पर यार ये क्या चक्कर है यहाँ पे? मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके के सिक्के हैं यहाँ पे, बहुत सारे, लाइक ये देखो अलग अलग कंट्री के सिक्के हैं, मुड़े हुए हैं सिक्के लिटरली। हाँ सिक्के देख, मुड़े भी हुए हैं, कुछ ज्यादा ही मुड़े हुए हैं। बहुत क्रेजी सा हो गया भाई ये, बहुत क्रेजी भी स्केरी। हाँ ये मतलब, पर कुछ इसके पीछे रीजन भी हो सकता है। पर यार रीजन अगर होगा, दिस इज द ओनली ट्री, मैं आगे पीछे भी देख रहा हूँ, दिस इज द ओनली ट्री जिधर ऐसा कुछ है, बट ये थोड़ा क्रेजी है। यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं फिर बताते हैं आपको। तो गाइज आंटी हमें समझा रही थी, तो वो आंटी थी अंकल के साथ आई थी। तो हुआ क्या कि आंटी बहुत फैसिनेटेड थी इस पेड़ से, एंड वो तो रुक गई हमारे साथ देखने के लिए, पर अंकल डिडंट गिव अ डैम, वो चलते चले गए। अब आंटी चिल्ला रही है ब्रायन ब्रायन, और ब्रायन गया। और हम लोग यहाँ पे सोचते जा रहे हैं कि ये पेड़ कर्स्ड है, और वो भाई आंटी यार सही में मतलब बहुत चिल्ला रही हैं, और वो वहाँ से ना पलट के ब्रायन की आवाज़ आ नहीं रही है, तो या तो ब्रायन को कर्स लग गया है। अभी थोड़ी देर में देखो, या तो वीडियो तुम मेरे को ही देख रहे होगे या इसको देख रहे होगे, तो अगर कर्स ऐसा कुछ है तो हम में से एक बंदा ही अभी रहने वाला है यहाँ पे। बट उन्होंने हमें बताया कि ब्रिटिश लिनियज ये बेसिकली। हाँ तू बता। तो नहीं, इसको ज्यादा सुनाई दिया है, मैं तो बता बता। कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश लिनियज है, इतने टाइम से उन लोग ने बना के रखा हुआ है ये ऐसा मॉन्यूमेंटल पीस टाइप का, और ये लेक डिस्ट्रिक्ट के काफी सारी जगह पे है अवेलेबल। तो ये ना ऐसे मतलब थोड़ी ऐसी अलग अलग जगह पे है, तो तुम्हें ऐसे अगर मिल जाए तो इट्स गुड दैट यू सॉ। फोटो वोटो खींच के गूगल और करो, तो गूगल करके शी सेड दैट कि हम बाकी भी रिसर्च कर सकते हैं। तो खुद इतनी फैसिनेटेड थी कि मेरे को दिखा और इसकी फोटो खींच के मैं खुद गूगल करूंगी और वो सब। बेचारी हमने ज्यादा रोक लिया उन्हें, वो ब्रायन निकल गया कहीं। अंकल गोल्ड कॉइन्स भी है इसमें ना, शी वॉज टेलिंग कि इसमें बहुत सारे वो है, लाइक पुराने भी फॉरेन कॉइन्स है, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ यूके के हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स भी हैं। और ये बेंट इसलिए हैं क्योंकि काफी लोगों ने निकालने की शायद कोशिश करी होगी प्लास से या किसी और से, तो वो भी हो सकता है। वेरी ब्यूटीफुल यार कि एक बहुत सुंदर पार्क में इतने सारे कॉइन्स फिक्सेटेड होना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इसको डॉगी दिखाए कोई सा, ये तो सिर्फ डॉगी। चलो गाइस हम ऊपर जाके फिर आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं।
सो अपेरेंटली हमें जाना था क्वीन एडलाइड्स, बट हम आ गए कोई नेशनल ट्रस्ट मिलर ग्राउंड पे, बट इट सेज दैट फुटपाथ ऑफ द लेक शोर, सो मे बी हम कनेक्ट हो जाएंगे वहाँ पे। दूसरी जगह की तो एंट्रेंस ही नहीं मिली, जो मिली उसमें घुस गए। आई थिंक पता वो वहाँ से होगा एंट्रेंस, क्योंकि वो चले गए, वो जो आंटी अंकल नहीं है वो भी वहाँ पे। आओ देखते हैं यहाँ क्या है। चलो लेट्स गो, फैमिली आ रही है। हाँ चलो।